मेरे पास है वीडियोकास्ट VC200 PTZ कैमरा। इस कैमरे से आप डायरेक्ट अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी PTZ कैमरा या IP कैमरा को अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो और अपने नेटवर्क में जो भी PC है या फिर आपका मोबाइल फोन है वाईफाई से कनेक्ट हो रखा है तो उन सब से आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए नेटवर्क से आपको इसे कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप अपने किसी IP कैमरे या PTZ कैमरे को OBS से कैसे कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो वो भी आज के वीडियो में जानेंगे। मेरे पास है वीडियोकास्ट VC200 PTZ कैमरा। इस कैमरे से आप डायरेक्ट अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर के। तो यहां पर ये सारा सेटअप करने के लिए सबसे पहले इस कैमरे को आपको अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, जो भी आपका राउटर है उसके थ्रू इसे आपको कॉन्फिगर करना होगा। यहां पर मैंने अपना PTZ कैमरा ले लिया है, लैपटॉप ले लिया है और अपना वाईफाई राउटर ले लिया है। इसके अलावा यहां पर आपको 2 केबल्स की जरूरत पड़ेगी, 2 LAN केबल्स आपको यहां पर ले लिए। तो सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप के IP एड्रेस का पता करना है कि इसका IP एड्रेस क्या है और हमारे राउटर का गेटवे क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर ये केबल कनेक्ट करेंगे, इथरनेट केबल यहां कनेक्ट कर दी और इसका दूसरा एंड मैं अपने लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट पर कनेक्ट कर देता हूं। यहां पर मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूं। अब आपको ये चेक करना है कि आपके लैपटॉप का IP एड्रेस क्या है, राउटर का जो गेटवे वगैरह है वो क्या है, तो वो हमें चेक करना है। उसके लिए यहां पर जो विंडोज आइकॉन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पर टाइप कीजिए रन, RUN। जैसे आप रन सर्च करेंगे यहां पर रन आ जाएगा, इसे ओपन कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको टाइप करना है NCPA.CPL और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके जो भी नेटवर्क्स होंगे वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो हम यहाँ पर जो इथरनेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यही हमारा राउटर है, तो इसे हम चेक करेंगे। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपको IP एड्रेस दिख जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर IPv4 एड्रेस। तो यहाँ पर हमारे लैपटॉप का IP एड्रेस है 192.168.0.105। इसके अलावा जो इसका गेटवे है यहां पर आपको इसका गेटवे दिखाई देगा, डिफॉल्ट गेटवे आ रहा है 192.168.0.1। ठीक है, अब ये 2 एड्रेस हमारे पास हो गए। अब इसमें आप देख रहे हो यहां पर जो पहला एड्रेस आ रहा है 192.168.0.105, ये तो हमारी इस डिवाइस का यानी इस लैपटॉप का IP एड्रेस हो गया, और दूसरा ये डिफॉल्ट गेटवे आ रहा है 192.168.0.1, ये हमारा इस राउटर का IP एड्रेस है। यानी अब हमारी जो डिवाइस है ये हमारा इससे कनेक्ट है। इसी तरह से हम चाहते हैं हमारा कैमरा भी इससे कनेक्ट हो जाए, तो हमारा जो कैमरे का गेटवे है वो हमें सेम रखना होगा, जो हमारा इसका गेटवे है और हमारा जो इसका गेटवे है वो दोनों को सेम रखना है हमें अपने कैमरे के साथ में। यानी कैमरे का जो गेटवे आईडी है, आईपी आईडी है, वो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए अब हमें चेक करना होगा कि हमारे कैमरे का आईपी एड्रेस क्या है। कैमरे का आईपी एड्रेस जानने के लिए आपको रिमोट पर मेनू का बटन दिया गया है, उसे प्रेस करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको एक नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, नेटवर्क पर क्लिक करो। यहां पर आपको सारा कुछ डिटेल दिख जाएगी, 192 कैमरे का आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.1.118 और उसके जो डिफॉल्ट गेटवे आ रहा है वो आ रहा है 192.168.1.1। यानी जो हमारे लैपटॉप और राउटर का जो गेटवे है वो बिल्कुल अलग है, वो है 192.168.0.1, लेकिन यहां पर जो कैमरे का आ रहा है वो आ रहा है 192.168.1.1। अब हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए दोनों का सेम, यानी जो हमारा कैमरे का गेटवे है और जो हमारे राउटर का गेटवे है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी ये आपस में कनेक्ट हो पाएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपने PTZ कैमरे का आईपी एड्रेस चेंज करना है। आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए हमारा ये कैमरा ब्राउजर से कनेक्ट होना चाहिए, नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तभी तो हम उसमें चेंजेस कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसका आईपी एड्रेस, जो हमारे कैमरे का आईपी एड्रेस है वही आईपी एड्रेस हम अपने सिस्टम में डाल देंगे, जिससे हम इस कैमरे को एक्सेस करके इसका जो आईपी एड्रेस है उसे हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। जो हमारा PTZ कैमरा है यहां पर जो इथरनेट पोर्ट दिया गया है, इस इथरनेट पोर्ट पर मैं इस केबल को कनेक्ट कर देता हूं सीधा। तो यहां पर हमने अपने PTZ कैमरे को सीधा अपने लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया और राउटर को अभी बिल्कुल हमने अलग कर दिया है। अब हम यहां पर इसके एड्रेस को चेंज करेंगे, जो हमारा कैमरे का आईपी एड्रेस है उसे हम चेंज करेंगे। यहां पर विंडोज वाले आइकन पर क्लिक करो, उसके बाद रन पर क्लिक करो, रन टाइप करोगे यहां रन आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहां पर NCPA.CPL टाइप करना है, ओके कर देना है। अब आपको यहां पर आ जाना है इथरनेट पर, ये इथरनेट वाला पोर्ट हमारा आ रहा है। और उससे पहले अगर आपका
आपका कोई भी वाईफाई वगैरह अगर एक्टिवेट हो रखा है तो उसे आपको ऑफ कर देना है। पर आपको इथरनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसको आप डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर इस तरह से सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, इसको टिक करना है। अब यहाँ पर जो आईपी एड्रेस आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर आपको अपने इस कैमरे का आईपी एड्रेस दे देना है। बाद में हम इसे चेंज करेंगे, अभी फिलहाल इसे कनेक्ट करने के लिए आपको इस कैमरे का जो आईपी एड्रेस था वो आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस, जो कैमरे का आईपी एड्रेस है वो तो 118 है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 115, ठीक है। यहाँ पर मैंने 115 दे दिया, उसके बाद सबनेट अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद जो डिफॉल्ट गेटवे है वो हमें देना है 192, ये हमारा कैमरे का जो गेटवे था वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में हमें यही दे देना है, जो नीचे अपने आप ही इसने ले लिया है। अब उसके बाद इसे आपको ओके पर क्लिक कर देना है, फिर से ओके कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। अब ये हमारा कैमरा यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गया। अब हम कैमरे को एक्सेस कर पाएंगे। अब आपका जो भी ब्राउजर है, चाहे वो गूगल हो या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, आपको गूगल यहाँ ओपन कर लेना है, गूगल ब्राउजर ओपन करना है। कैमरे का आईपी एड्रेस था 192.168.1.118, इसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे आप यहाँ पर इसे सर्च करोगे तो यहाँ पर जब आप अपने कैमरे के आईपी एड्रेस को यहाँ पर ब्राउजर में जैसे आप सर्च करोगे, टाइप करोगे, तो यहाँ पर इस तरह से एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है एडमिन, और यहाँ पर पासवर्ड में भी आपको एडमिन कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारा कैमरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। इस तरह से आप कैमरे को यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर प्रीव्यू का बटन आ रहा है, इसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, जो हमारे कैमरे का आईपी एड्रेस था उसे हम चेंज कर देंगे, यानी अपने नेटवर्क के हिसाब से चेंज कर देंगे। जो हमारे राउटर का गेटवे है उसके हिसाब से हम इसके आईपी एड्रेस को चेंज कर देंगे। तो उसे चेंज करने के लिए हमें सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सेटिंग का बटन आ रहा है, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं सिस्टम सेटिंग आ रहा है, एडवांस सेटिंग आ रहा है और नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है। नेटवर्क पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो नेटवर्क सेटिंग है इसमें हमें आईपी एड्रेस चेंज कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आईपी एड्रेस आ रहा है ये 192.168.1.118 करके आ रहा है। अब हमें सिंपल यहाँ पर चेंज कर देना है। हमारा जो गेटवे था वो था हमारा 192.168.0, तो यहाँ पर जो 1 आ रहा है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो आ रहा है 1 की जगह पे मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा। राउटर का जो गेटवे है ना उसमें 1 ना होके 0 है, ठीक है। तो ये 192.168.0.118 हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है इसको भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसे भी मैं 0 कर देता हूँ। तो ये गेटवे हो गया हमारा 192.168.0.1, ठीक है। बाकी इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब हमारे कैमरे का जो आईपी एड्रेस है वो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, 192.168.0.118, ये हमारा कैमरे का आईपी एड्रेस हो जाएगा। अब ये चेंज हो गया, इसे कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर हम वापस जाएंगे, रन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ NCPA.CPL ओके, एथरनेट पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.1.115 ये आ रहा ना, इसे भी मैं 0 कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पर गेटवे को भी 0 कर देता हूँ और डिफॉल्ट DNS सर्वर यहाँ पर भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो आईपी एड्रेस यहाँ पर हो गया 192.168.0.115, यहाँ हो गया ये और यहाँ भी ये हो गया, यहाँ भी ये हो गया। अब सब कुछ हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि हमारा इसका जो एड्रेस है वो भी हमारा सेम हो गया, इसका एड्रेस, हमारे कैमरे का भी गेटवे सेम हो गया और हमारे लैपटॉप का जो गेटवे है वो भी हमारा सेम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अब सिंपल आपको ये वाली केबल यहाँ से निकाल लेनी है, जो लैपटॉप से ये केबल हमने कनेक्ट कर रखी है इसे निकाल लेंगे और इस केबल के थ्रू हम अपने कैमरे को इस नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे जो हमारा राउटर है। अब हम सीधा इसे राउटर के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। तो मैंने अपने कैमरे को इस लेन केबल के थ्रू इस राउटर से कनेक्ट कर दिया है और मैंने अपने लैपटॉप को अभी किसी केबल से कनेक्ट नहीं किया है। मैं चाहूँ इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करना तो यहाँ पर मैं इथरनेट पोर्ट पर एक केबल लगाऊंगा और उस केबल का दूसरा एंड यहाँ पर राउटर के दूसरे पोर्ट पर कनेक्ट कर दूंगा, तब भी मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा। और मैं चाहूँ यहाँ पर मेरा जो वाईफाई राउटर है
मैं चाहूँ तो इस वाईफाई राउटर से अपने लैपटॉप को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके भी अपने कैमरे को एक्सेस कर पाऊंगा। इस केबल का ये एंड मैंने अपने लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट पर लगा दिया और इस केबल का दूसरा एंड मैं यहाँ पर दूसरे पोर्ट पर यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब ये हमारे दोनों पोर्ट यहाँ कनेक्ट हो गए, ये हमारा कैमरा कनेक्ट हो गया, ये हमारा लैपटॉप कनेक्ट हो गया। अब दोनों चीज़ें हमारे इस राउटर से कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें जाना है अपने लैपटॉप पर और लैपटॉप पर हम सर्च करेंगे कि हमारा कैमरा यहाँ पर एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है। अपना गूगल खोलेंगे, गूगल क्रोम ओपन करते हैं और वही एड्रेस अब हम यहाँ पर डालेंगे। हमने अपने कैमरे का आईपी एड्रेस चेंज कर दिया था, पहले था ये 192.168.1.118, अब हमने इसे जीरो कर दिया था ना, वन की जगह हमने जीरो कर दिया था, 192.168.0.118 ये अब हमें सर्च करना है। ये देखिए यहाँ पर इसका लॉगिन पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन है, उसके बाद लॉगिन करेंगे, ये पेज हमारा लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर हमारा डिटेल आना स्टार्ट हो गया, यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे वाईफाई से एक्सेस करके दिखाता हूँ, वाईफाई से हो रहा है नहीं हो रहा है। लैपटॉप की केबल मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ से मैं राउटर से भी इस केबल को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये सब कुछ यहाँ पर हमारा अलग हो गया, लेन केबल के थ्रू राउटर से कनेक्ट है। अब ये हमारा वाईफाई के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। ये वाला जो हमारा आईपी एड्रेस था, फिर से हम आईपी एड्रेस यहाँ डालेंगे। अब हमारा जो कैमरा है वो वाईफाई के थ्रू हमारा कनेक्ट हो रहा है, इस तरह से हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। ये देखो हमारा लॉगिन पेज फिर से ओपन हो जाएगा। इसी तरह से मैं चाहूँ तो मैं अपने मोबाइल फोन से भी इसे एक्सेस कर पाऊंगा, मोबाइल फोन में सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हमारा ये पीटीजेड कैमरा नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपके नेटवर्क के साथ कोई भी डिवाइस आपकी कनेक्ट है, चाहे वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रखी हो या फिर आपका कोई लैपटॉप है, पीसी है जो लेन से कनेक्ट हो रखा है, तो उन सभी डिवाइसेस के ब्राउजर में जाके बस आपको इसका आईपी एड्रेस टाइप कर देना है, लॉगिन कर लेना है एडमिन टाइप करके, तो आप इसे कैमरे को कंट्रोल भी कर पाओगे और इसकी जो फुटेज आ रही है उसको भी आप लाइव देख पाओगे। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर दिखाता हूं आप इसे ओबीएस से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप चाहते हो कि अपने कैमरे को नेटवर्क से ना कनेक्ट करके आप सीधा ओबीएस के अंदर इसकी फुटेज लेके आना चाहते हो, तो वो भी बहुत ही आसान है। इसके साथ जो यूएसबी केबल आई है, यूएसबी केबल को कैमरे के यूएसबी पोर्ट पर कनेक्ट कर दो सिंपल, और उसके बाद यहां पर ओबीएस में आपको जाना है, प्लस के बटन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड कैमरा डिवाइस ये सब शो हो रहा है, इसके आगे एरो पर क्लिक करो। अब इसमें आपको एक यूबीसी कैमरा करके ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दो। आप देख सकते हो कैमरे की फुटेज आपके ओबीएस स्टूडियो में आ जाएगी, कैमरे की फुटेज हमारी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद ओबीएस से आप लाइव कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी फुटेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नेटवर्क के थ्रू आप इसे अपने ओबीएस स्टूडियो से कनेक्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका जो एसआरटी ऑप्शन है वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अब मान लो आपका कैमरा किसी दूसरे रूम में लगा हुआ है, आप नहीं चाहते कि इसे केबल से कनेक्ट करके यहाँ पर लेके आना चाहो। अब हमारा कैमरा नेटवर्क से कनेक्ट हो रखा है, कैमरा हमारे नेटवर्क में कहीं पर भी लगा हुआ हो आप अपने लैपटॉप से इसे एक्सेस कर सकते हो। आपको अभी उसी पर जाना है, ब्राउजर पर जाओगे, यहाँ पर आपको इसे लॉगिन कर लेना है, कैमरे को लॉगिन कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक URL मिलेगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन सा URL हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पर जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स में आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक SRT का ऑप्शन आ रहा है, एक RTMP का आ रहा है, एक RTSP का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर RTSP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आपको दो URL देखने को मिलेंगे, मेजर URL और माइनर URL। तो यहाँ पर जो मेजर URL है इस URL को आप कॉपी कर लो, ठीक, कंट्रोल सी, ठीक है, ये हमारा कॉपी हो जाएगा। यहाँ से OBS स्टूडियो पर आ जाओ, सोर्सेज में आओ, प्लस के बटन पर क्लिक करो और इसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया सोर्स पर जाना है, मीडिया सोर्स पर क्लिक कर दो, ओके कर दो। अब यहाँ पर जो लोकल फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है इसको आपको अनटिक कर देना है। जैसे आप इसे अनटिक करोगे यहाँ पर आपको एक इनपुट फॉर्मेट ये ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा, तो इस इनपुट वाले ऑप्शन में आपको URL को पेस्ट कर देना, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे आपके कैमरे की फुटेज आप देख सकते हैं आपके OBS स्टूडियो में आ चुकी है। अब आप आराम से OBS के थ्रू यहाँ पर लाइव कर सकते हो। तो एक ऑप्शन आपका ये है, आप सीधा OBS में ऐसे अपने कैमरे की फुटेज को इस तरह से
लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर जब आप इस पीटीजेड कैमरे को अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद अब आप इस कैमरे से चाहो तो डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये वाला पेज ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो जो RTMP वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर स्ट्रीम टाइप का जो ऑप्शन आ रहा है, मेन स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, सब स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हम मेन स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आ रहा है URL। अब यहाँ पर आपको URL और स्ट्रीम की देनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है अपने यूट्यूब पर। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग क्रिएट हो गई, उसके बाद यहाँ पर आपको एक RTMP URL दिखाई देगा और एक स्ट्रीम की दिखाई देगी। सबसे पहले इस URL को हम कॉपी करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे अपने कैमरे वाले पेज पर और जो URL है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर एक स्लैश लगा देंगे इस तरह का। उसके बाद वापस जाएंगे लाइव कंट्रोल रूम पर और अब स्ट्रीम की को कॉपी कर लेंगे, वापस जाएंगे नेटवर्क पेज पर और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपनी स्ट्रीम की, कंट्रोल वी करेंगे, ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, ये हमारा सेटिंग सक्सेसफुल हो गई, ओके कर देना है। तो अगर आप इसे यहाँ से ऑफ कर दोगे स्ट्रीमिंग आपकी ऑफ हो जाएगी, ऑन पर कर दोगे स्ट्रीमिंग आपकी ऑन हो जाएगी। हमारे कैमरे की फुटेज आनी स्टार्ट हो चुकी है, प्रीव्यू में आप यहाँ देख सकते हो थोड़ा सा डिले आएगा, आप देख सकते हैं ये कैमरे की फुटेज हमारी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर हमारे यूट्यूब के ऊपर ये चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने PTZ कैमरा या IP कैमरा को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, चाहो तो यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, साथ ही साथ OBS स्टूडियो के थ्रू भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।